राजधानी दिल्ली के यमुना पार के सीलमपुर इलाके में 10 साल की एक मासूम छात्रा के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई है। तीन लड़कों ने बच्चे से कुकर्म कर उसके निजी अंग में लोहे की रड डाल दी, रड और ईंट से बुरी तरह पीटा। डरे सहमे छात्र ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया तो मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना का खुलासा हुआ। अस्पताल में पुलिस को छात्र के साथ हैवानियत किए जाने की सूचना मिली। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस बारे में परिजनों से पूछताछ की तो परिवार ने मामले की दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन काउंसलिंग कराने पर किसी तरह परिवार इसके लिए तैयार हुआ। इसके बाद इस पुलिस ने कुकर्म और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों दो नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया है। दोनों लड़कों को जेजे बोर्ड में पेश किया गया है, जहां से उनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उधर पीड़ित फिलहाल LNJP अस्पताल के ICU में भर्ती है। हैवानियत का शिकार पीड़ित छात्र परिवार के साथ सीलमपुर इलाके में रहता है। वह सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र है। आरोप है कि 18 सितंबर को सुनसान जगह पर ले जाकर तीन लड़कों ने छात्र के साथ जबरन कुकर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने रॉड और ईंट से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसे डराने धमकाने के लिए उसके निजी अंग में रॉड डालकर यह धमकाया कि किसी से घटना के बारे में बताया तो और बुरा हश्र करेंगे। डर के मारे छात्र ने किसी से भी कुछ नहीं बताया, लेकिन 22 सितंबर को उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। DCP संजय कुमार सेन ने बताया कि परिवार ने बयान देने से मना कर दिया था। 24 सितंबर एक NGO की मदद से मासूम की मां की काउंसलिंग करवाई तो परिजनों ने शिकायत देने के लिए तैयार हुए। दोनों आरोपी पीड़ित के दोस्त हैं। उनकी उम्र 11 से 12 साल के बीच है। एक लड़का तो पीड़ित का रिश्ते का भाई भी है। तीसरे की तलाश जारी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि लड़के की मां ने महिला आयोग से शिकायत की थी। लड़के की हालत फिलहाल गंभीर है। महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। मामले में 28 सितंबर तक जवाब देने और सभी आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए इसके बारे में पूछा गया है।